कर्ल ऑफ अ फंक्शन। अगर एफ बार एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है और डेल एक वेक्टर क्वांटिटी है जो डो बाय डो एक्स टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस डो वाई टाइम्स ऑफ जे कैप प्लस डो वाई डो जेड टाइम्स ऑफ के कैप है, इसको हम डेल से डिनोट करते हैं, तो हमारा कर्ल हो जाएगा डेल क्रॉस एफ बार। तो अगर डेल और एफ बार को क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं तो हमें कर्ल मिल जाएगा इस फंक्शन का। एक एग्जांपल कर लेते हैं, हमें एक वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है और हमें कर्ल निकालना है उस फंक्शन का। फंक्शन का कर्ल होता है डेल क्रॉस एफ बार। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट एक डिटरमिनेंट से सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें सेकेंड रो में हम डेल के आई जे एंड के कोएफिशिएंट डाल देते हैं और थर्ड रो में एफ बार के आई जे एंड के कोएफिशिएंट डाल देते हैं, और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके हमें क्रॉस प्रोडक्ट मिल जाता है। एक बेसिक मेथड है क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का। तो यहाँ पर डेल के कोएफिशिएंट डाल देते हैं आई जे के, तो हो जाएगा डो बाय डो एक्स डो बाय डो वाई एंड डो बाय डो जेड। थर्ड रो में हम आई जे के कोएफिशिएंट डाल देते हैं एफ बार का, तो आई का कोएफिशिएंट है 3x² - 3yz, जे का कोएफिशिएंट है 3y² - 3zx एंड के का कोएफिशिएंट है 3z² - 3xy। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, अब ये पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकालना है इसका, तो इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। सिमिलरली सभी को सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिलेगा, इसको और सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, ये इससे कट जाएगा तो 0 टाइम्स ऑफ आई कैप, ये इससे कट जाएगा तो -0 टाइम्स ऑफ जे कैप, ये इससे कट जाएगा तो हमें मिल जाएगा 0 टाइम्स ऑफ के कैप, तो ये मिल गया 0। तो फंक्शन का कर्ल यहाँ पर 0 और यही आंसर है।